हेलो बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट SS ज्योग्राफी का हम चैप्टर 10 कर रहे हैं, रेगिस्तान में जीवन। हमने रेगिस्तान के विषय में पढ़ा है। सबसे बड़ा रेगिस्तान पढ़ा है हमने, सहारा है रेगिस्तान। जलवायु के विषय में पढ़ा है कि जलवायु गर्म होती है, वहाँ की दिन गर्म, रातें ठंडी होती हैं। लोगों के विषय में पढ़ेंगे। सहारा रेगिस्तान की जो जलवायु है बहुत कष्टकारी होती है, तो यहाँ लोग समुदाय में रहते हैं, जैसे बेदुइन है, तुआरेग है, इस प्रकार की जातियाँ हैं। बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े जैसे पशु पालते हैं ये। इन पशु से दूध वगैरह इनको मिलता है। बालों का उपयोग, पशु के बालों का उपयोग कालीन, कंबल, कपड़े, चटाई के लिए करते हैं। धूल भरी आंधियां एवं गर्म वायु से बचने के लिए भी ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरु उद्यान एवं मिश्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग क्या खजूर के पेड़ उगाते हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, जो है इस प्रकार की फसलें भी उगाई जाती हैं। मिश्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व में खनिज की मात्रा जो है, खनिज की तेल की मात्रा सबसे अधिक मांग है। रेगिस्तान के लीबिया है, अल्जीरिया है, मिश्र में यह खनिज सबसे अधिक पाया जाता है। खनिज में लोहा है, फास्फोरस, मैग्नीज, ये सब सम्मिलित होते हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली जो है, वहाँ पर परिवर्तन भी आ रहा है। जैसे मस्जिद से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन, ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का भी स्थान ट्रक ने ले लिया है। विदेशी पर्यटक भी आते हैं यहाँ पर। चलवासी जो जनजाति है शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। फिर ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख, हिमालय में है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। इसके ऊपर कारकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। बहुत सारी नदियाँ भी यहाँ से बहती हैं। सिंधु नदी प्रमुख है। नदियाँ गहरी घाटी एवं महाखड का निर्माण करती हैं। अनेक हिमानी जैसे गैंगरी हिमानी है यहाँ पर। कारगिल में लद्दाख की ऊंचाई 3,000 मीटर है, जबकि काराकोरम में इसकी ऊंचाई 8,000 मीटर से अधिक है। अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु बहुत ठंडी है, खुश्क है। ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अधिक तीव्रता जो है महसूस होती है। गर्मी में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, कुछ ही अधिक होता है, एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में बहुत ही बर्फीला हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। हिमालय के विशिष्ट छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। सूर्य की धूप में इस बैठे कि आपके पैर में छाया हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। ये है यहाँ का आश्चर्य है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, शुष्क जलवायु होने के कारण यह विरल वनस्पति पाई जाती है। घास एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब है, खुमानी है, अखरोट है, इस तरह के पेड़ होते हैं। पक्षियाँ भी विभिन्न प्रकार के हैं। तिब्बती में स्नेकॉक, स्नोकॉक, हुप, ये सब पक्षी पाए जाते हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली भेड़ है, जंगली बकरी, याक, इस प्रकार के पशु पाए जाते हैं। ये पशु जो है दूध, मांस, खाल, इसके लिए इनको पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर, मक्खन बनाने के लिए होता है, और भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए होता है। लोग हैं यहाँ पर ज़्यादा मुसलमान हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ एवं परंपरागत गोम्पा के स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ भी हैं, हेमी, थिक्से, ये सब है।
ये पिक्चर में आपके ठीक से मठ बना भी हुआ है। यहाँ के निवासी ग्रीष्म ऋतु में मटर, शलजम ये सब बालों की कृषि करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों में, उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिला बहुत परिश्रमी भी होती है, खेती ही नहीं करती बल्कि अन्य काम भी संभालती है। लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। यहाँ के जो लद्दाख की राजधानी है, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पर्यटन है। देश तथा विदेशों में बहुत सारे पर्यटक आते रहते हैं। यहाँ पर आकर्षक घास के मैदान हैं, हिमनदों की सैर है, ये सब यहाँ अनुष्ठानों को देखना ये सब का यहाँ पर करते हैं पर्यटक। आधुनिकीकरण ने यहाँ के जीवन में परिवर्तन ला दिया है। लद्दाख लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ही आवश्यकता अनुसार खर्चे से अधिक इनका कुछ खर्चीले से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। जितना ज़रूरत होता है उतना ही ये खर्चा करते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे।